नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम बातें, और आज भी हमारे इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात होगी अश्वगंधा की खेती की, फिर मुलाकात होगी हमारे सफल मछली पालक अरविंद कुमार से, और फिर हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम में नजर डालें हमारी पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर, और जानें कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। हमारे देश में किसान भाइयों बहनों, औषधीय पौधों की खेती का इतिहास रहा है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान अब इसकी खेती की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि मांग अच्छी हो रही है, जिसके चलते दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। आज एक ऐसी ही फसल के बारे में हम आपको बताएंगे, अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा की खेती करके आप अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किस समय पर किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं। आइए इसके बारे में जानने के लिए से डालते हैं हमारे सेगमेंट पर। अश्वगंधा एक झाड़ीदार रोम युक्त पौधा है। ये बहुवर्षीय पौधा पौष्टिक जड़ों से युक्त है। अश्वगंधा के बीज, फल और छाल का विभिन्न रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है। भारत में अश्वगंधा की जड़ों का उत्पादन प्रति वर्ष 1600 टन है, जबकि इसकी जड़ों की मांग 7000 टन प्रति वर्ष है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट अथवा हल्की लाल मृदा, जिसका पीएच मान 7.5 से 8 हो, व्यावसायिक खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये पछेती खरीफ फसल है। पौधों के अच्छे विकास के लिए 20 से 35 डिग्री तापमान, 500 से 750 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होना आवश्यक है। पौधे की बढ़वार के समय शुष्क मौसम एवं मृदा में प्रचुर नमी का होना आवश्यक होता है। अश्वगंधा की खेती किसान भाइयों के लिए बेहद उपयोगी होती है। इसकी खेती के विषय में केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान में शोध और प्रशिक्षण होते रहते हैं। अश्वगंधा मध्यम लंबाई वाला बहुवर्षीय पौधा है। इसका तना शाखाओं युक्त सीधा और रोमिल होता है। इसकी जड़ें लंबी और अंडाकार होती है। इसके फूल छोटे हरे या पीले रंग के होते हैं। फल 6 मिलीमीटर चौड़े, गोलाकार, चिकने और लाल रंग के होते हैं। फलों के अंदर काफी संख्या में बीज होते हैं। सूखे क्षेत्रों के लिए पौष्टिकता और रहितता नामक प्रजातियाँ उपयुक्त पाई गई है। अच्छी फसल के लिए जमीन में अच्छी नमी और मौसम शुष्क होना चाहिए। फसल सिंचित और असिंचित दोनों दशाओं में ली जा सकती है। कुछ शोधों के अनुसार इसकी खेती लवणीय पानी में भी की जा सकती है। एक हेक्टेयर में अश्वगंधा पर लगभग 10,000 तक का खर्च आता है, जबकि लगभग 5 क्विंटल जड़ों और बीज का वर्तमान विक्रय मूल्य लगभग 78,750 रुपए है। इसलिए शुद्ध लाभ 68,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। किसान भाई अगर उन्नत प्रजातियों का चुनाव करें तो उन्हें लाभ भी अधिक होगा। अब किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही,
गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर नजर डालने का। बता दें आपको, कभी वो फौजी थे, वायुसेना में कार्यरत थे और अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब वो एक सफल मछली पालक हैं और साथ ही साथ गौ सेवा से भी जुड़े हुए हैं। नाम है इनका अरविंद कुमार। बता दें आपको कि मछली पालन के क्षेत्र में कम समय में ही इन्होंने अपना नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी ने कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया। मछली पालन में पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय किया करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहाँ पे हम मत्स्य विभाग के, भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहाँ जो मछली पालन हमने देखा, तो वहाँ देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए, तो हमने आगरा में ज़मीन को लीज़ पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्लान है, उसमें ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें,
जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे संबंध में पता लगा, हमें काफ़ी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया, तो वहाँ हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज़्यादा मिला। उनके वहाँ जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफ़ी मिली, और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पर डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हटके जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं, तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज़ करते हैं, और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है, उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी ये जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है। आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गायें पाल रहे हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से दो फायदे होंगे, पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी, और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़वार के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र आगरा के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने किस प्रकार से मछली पालन व्यवसाय में हमारे किसान की सहायता की, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, विशेषज्ञ पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा से हूं। वास्तविकता में क्या है कि जो किसान मछली पालन कर रहे हैं, तो पिछले दिनों हमने देखा कि मछली पालन में कम से कम 35-40% खर्चा जो था वो फीड पे आता था। उसके बाद में फिर लेबर कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट निकालने के बाद में पानी का खर्चा हो गया। इस तरह से अगर टोटल अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालें तो मछली पालन में खर्चा जो है 80-90% तक हो जाता है जाके। तो जहाँ एक फीड वाली बात थी 35-40% खर्चा आता था, तो एक सामान्य तौर पे जैसे नेचुरल फार्मिंग की जैसे बात करें, तो गाय के गोबर से बाकी मुर्गी पालन करके उसकी बीट का इसमें उपयोग करके किस तरह से मछली का बीट बढ़ाना है और मछली का उत्पादन जो अधिक लेना है, उन पर हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, और जो हमारे आगरा जनपद के किसान हैं आज बहुत अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। आगरा में खारा पानी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यही खारा पानी मछलियों के लिए वरदान है। अरविंद कुमार इस वरदान का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत
24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नथी अने एनाथी हूँ सारी एवी खेती करी शकू छू। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। किसान भाइयों बहनों, हमारे किसानों की उन्नति के लिए, कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए हमारी जो सरकार है निरंतर प्रतिबद्ध है। जी हाँ, इसी दिशा में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और ऐसी ही एक योजना के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि बाजार। एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हमारे जो किसान हैं अपनी फसलों की बिकवाली कर सकते हैं, अच्छे दाम भी अर्जित कर सकते हैं और किसी भी जगह पर बिकवाली कर सकते हैं। कोई सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं है। क्या है राष्ट्रीय कृषि बाजार, आइए जानते हैं।
दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। साथ ही एक विशेष जानकारी और आप तक पहुंचा दें, दोबारा हमारे ये कार्यक्रम देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए, ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। हमारा पता भी नोट कर लीजिए आप, हमारा पता है कृषिदर्शन कमरा नंबर 59A CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।